दिल्ली गठबंधन की सरकार आई तो क्या रामलला को फिर से टेंट में भेज दिया जाएगा? क्या कांग्रेस करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी कर रही है क्या? मतलब कांग्रेस रामलला पर बुलडोजर चलाएगी? ये सवाल हम इसलिए पूछे क्योंकि कुछ दिनों पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के दावे के बाद आज प्रधानमंत्री ने फिर ये बात कही कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा सकती है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे। कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। क्या कोई भी सरकार राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की हिम्मत कर सकती है? 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, क्या कोई भी उसे मिटा सकता है? आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इसी मुद्दे को लेकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो रामलला को टेंट भेज दिया जाएगा और एसपी कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे, मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दावा किया था कि खुद राहुल गांधी ने एक गोपनीय बैठक के दौरान ये बात कही थी कि अगर उनकी सरकार आई तो शाबानो मामले की तरह राम मंदिर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देंगे। आज पीएम मोदी ने उसी दावे का जिक्र करके ये बात कही और ये आरोप लगाया कि एसपी कांग्रेस जैसी पार्टियां सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं, कुछ लोगों